हेलो गाइस, मैं हूं आयुष और आज जो है भाई साहब बहुत ही कमाल का आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पिछले बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी। और आज बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट होगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूं आज का एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं जो आज एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा, इसमें जो मेरा यूज होने वाला सामान है वो मेरे पास है एक नॉर्मल वाटर, और उसमें मैं ऐड करूंगा इनो को, ठीक है। और फिर उसमें बिस्किट का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा। देखिए, अभी आपको उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा, अब आपको क्लियर समझ में आएगा जब मैं आपको इसे करके दिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये करता हूँ, इसमें तो पानी है ही पहले से, मैं 3 ग्लास ले लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं गाइज, मेरे पास है एक बिस्किट, ठीक है, ये नॉर्मल बिस्किट है, इसमें बटर बीच में लगा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वाटर है, अगर मैं इसके ऊपर बिस्किट डालता हूँ, अब आप देखिए इसका रिएक्शन ये क्या होता है, ये बिस्किट नीचे जाता है या नहीं जाता, अभी आपको कुछ समय में पता चल जाएगा। देखिए, अब देख सकते हैं, देखिए बिस्किट नीचे चला गया। और अगर इसी जगह दूसरे ग्लास में ये इनो को पहले मैं डाल दूं, ठीक है, इनो को डाल दिया, और अब देखिए उसी बिस्किट को, अब सेम उसी बिस्किट को मैं अभी इस इनो वाले ग्लास में डालता हूं, और अब आप देखिएगा ये ग्लास से नीचे नहीं उतरेगा, चाहे कितना भी देर इसको छोड़ दें फिर भी ये ग्लास से नीचे जा ही नहीं सकता है। अब आप देखिए इसको, ये जा पाता है या नहीं। और गाइस, दूसरे भी ग्लास में मैं अब ये इनो को, एक और पैकेट है हमारे पास इनो का, इसको मैं डालता हूँ दूसरे भी ग्लास में, ठीक है। इस ग्लास में ओरियो बिस्किट को डालकर देखूंगा कि क्या ये क्रीम वाला बिस्किट जिसमें 2 लेयर होता है, क्या ये बिस्किट इसमें डूब पाएगा। ये तो आप क्लियर देख सकते हैं कि डूबा नहीं है, ये ऊपर ही है। और अब देखते हैं कि ये इसमें डूब पाता है या नहीं। ओ, इसका क्रीम हट गया, एक मिनट, दोनों हट गया एक दूसरे से। दूसरा निकाल लेते हैं, इसमें सटा हुआ है, और मैं अब इसे डुबाता हूँ, और आप देखिए ये डूब पाता है या नहीं। मुझे इसके बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, देखते हैं डूबता है या नहीं डूबता। और गाइस, ओरियो बिस्किट को अगर मैं नॉर्मल वाटर में डालूँ तो क्या ये डूबेगा? ऑब्वियसली डूबेगा ही, डूब गया, बिस्किट अलग अलग हो गया। हाँ, और आप देख सकते हैं ये इनो वाला वाटर में जो है बिस्किट तैर रहा है ऊपर में, ये डूबा नहीं है। और अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं घुमा देता हूँ, इसको मिक्स कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ये डूबता है या नहीं नीचे। अब आप देखिए नीचे इसका मोशन दिखाई पड़ेगा क्लियरली, और आप देख सकते हैं सारा बिस्किट का जो भी टुकड़ा है वो सारा ऊपर जा करके फिर से जमा हो गया। सेम इस गिलास में भी सारा ऊपर चला गया, नीचे कहीं डूबा हुआ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं नॉर्मल वाटर में जो है ये नीचे डूबा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इनो के साथ। अगर आप में से किसी को भी इसका रीज़न पता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको देख करके कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। और गाइज़, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको इस चैनल पे बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आगे के वीडियो में, जो कि आपको पूरा यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।